हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और ये नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है, जिसके अंदर आपका सरकारी नौकरी रहेगा तो परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी, सरकारी नौकरी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा उसके बारे में, वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि सैलरी जो रहता है वो आपकी पोजिशन पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी पोजिशन रहेगी उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो टाइप की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहला पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर का जेई के पदों के लिए, दूसरा पोजीशन रहेगा यहाँ पे टेक्नीशियन का। अब टेक्नीशियन के लिए अगर आपने आईटीआई कर रखा है 10वीं के बाद, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अगर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन का सैलरी आपको देखने को मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन रहेगा। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30,000 रुपये रहेगी। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए, उसका सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग रहेगा 40,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मेरे भाई, यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है और उसी एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। फाइनल जो मेरिट बनेगा वो आपका सीबीटी एग्जाम के बेस पे रहने वाला है। अब इसका पेपर का पैटर्न क्या रहता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसको अप्लाई करना है कैसे है आपको। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है वो आपका रहेगा 1200 प्लस। आपको लाइक करवाने हैं, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो यहाँ पे एलिजिबल है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा बीबीटेक कर रखा है, कौन से ट्रेड के अंदर आईटी कर रखा है, आपकी ब्रांच से रिलेटेड मैं आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे और आपके ट्रेड से रिलेटेड जो आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। पहला नोटिफिकेशन रहेगा टेक्नीशियन का, दूसरा नोटिफिकेशन रहेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का। दोनों को मैंने एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है, वन बाय वन हम दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है। पहला नोटिफिकेशन टेक्नीशियन का निकाला गया है और इसके अंदर आपका पोस्ट रहेगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है, जिसमें आपका टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा फिटर वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मटेरियल और स्टोर कीपर ट्रेनिंग का पोजीशन देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 34 रहेगी, सरकारी नौकरी रहेगी, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे जो आपका एज रहेगा 37 ईयर तक वाले कैंडिडेट इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फिटर के लिए तो अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई कर रखा है फिटर ट्रेड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन के लिए तो अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई किया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए तो अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई कर रखा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है यहाँ पे मटेरियल या स्टोर कीपर ट्रेनिंग के लिए तो अगर आपने 10वीं के बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रखा है स्टोर कीपिंग के अंदर तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 10वीं के बाद अगर आपने यहाँ पे फीटर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के अंदर आईटी कर रखा है इसको अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मटेरियल और स्टोर कीपर के अंदर मांगा है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रहेगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे आपका 2 साल का सबसे पहले तो आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको 21,500 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। जैसे ही 2 साल आपका ख़त्म होता है तो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी जिसमें आपका W3 ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा। स्टार्टिंग होगा 21,500 रुपये से लेके, जिसमें आपका पर ईयर 3% का सैलरी हाइक आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि अगर आप सिलेक्शन करवा लेते हैं यहाँ पे, तो आपको सर्विस बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, जो कि आपका सर्विस बॉन्ड रहेगा यहाँ पे 50,000 रुपये का सर्विस बॉन्ड रहेगा जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको 3 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल तक काम नहीं करते, छोड़ देते बीच में, तो आपको 50,000 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे। अगर आप काम कर लेते हैं और आपकी कहीं दूसरी जगह जॉब लग जाती है 3 साल के बाद, तो आपको 50,000 रुपये नहीं देने, जिसमें आपका रहेगा जनरल EWS और OBC कैंडिडेट को 50,000 रुपये का एक बॉन्ड साइन करना है, पैसे देने नहीं है। और अगर आप SST PWD कैंडिडेट है तो उनको 25,000 रुपये का बॉन्ड यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ये लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं रखा, फ्री का फॉर्म है, तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट रहेगा अप्लाई करने का 25 अगस्त का, लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 10 सितंबर का, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से अप्लाई वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो भी निकाली गई है यहाँ पे NTPC लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ये आपका एक स्पेशल रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन रहेगा, पूरे 2 साल तक आपको एज ए डिप्लोमा ट्रेनी काम करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 साल खत्म होंगे उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि वैकेंसी जो निकाली गई है कर्नाटका स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, तो अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर का पोजीशन रहेगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन रहेगा यहाँ पे कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन कर रखा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 30 साल का यहाँ पर रहने वाला है, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 24,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। W7 ग्रेड के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा, 3% का सैलरी हाइक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरे 2 साल तक आपका DT का पोजीशन रहेगा, 2 साल के बाद आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें आपका 2 स्टेज रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, CBT एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1/4 का। जो आपका सेकंड स्टेज रहेगा उसमें भी आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा, और उसके अंदर भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4 का, तो आपको पेपर को अच्छे से ध्यानपूर्वक अटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर रहेंगे बेंगलोर का, हैदराबाद का, ये 2 टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लीकेशन फीस नहीं रखा, फ्री का ये फॉर्म है, तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे भी आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 50,000 रुपये का सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 साल के लिए। अगर आप 3 साल के दौरान अपनी जॉब को छोड़ देते हैं तो आपको 50,000 रुपये NTPC को देना पड़ेगा, अगर आप नहीं छोड़ते कंटिन्यू करते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, ये जो लिंक दे रखा है इस पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया सारे लिंक, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा मेरे भाई, वो आपका 25 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 10 सितंबर 2023 का। अगर आप में से किसी को भी अप्लाई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है और कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन को अगर आप ढंग से देखेंगे वहाँ पे अप्लाई लिंक आपको मिलेगा।
उस पर आपको क्लिक करना है, ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव ST बैकलॉग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी डिप्लोमा ट्रेनी की पोजिशन के लिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि इसका अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि आपका देखने को मिलेगा टेक्नीशियन ट्रेनी की पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इसमें भी आप अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा अप्लाई करने का वो रहेगा यहाँ पे 26 अगस्त 2023। तो यहाँ पे जैसे ही 26 अगस्त आएगा और यहाँ पे आपके नीचे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का बटन, और आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं आपके लिए अलग से अप्लाई का वीडियो बना दूंगा। सेम प्रोसेस रहेगा, पहले भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है, अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी डिटेल को यहाँ पर फिल करना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।